या कितने लोग पैकिंग कर रहे हो? ये हम सब 8-10-15 जने हम पैकिंग कर रहे हैं। और रोज इस तरह ही 8-10 लोग रोज या फिर 4-5 दिन बाद छोड़ के हम पैक करते रहते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये सारा सामान जो है ये रोज मतलब सुबह से लग जाते हो आप? रात में कर लेते हैं, नहीं तो सुबह। अच्छा, रात को पैक करते हो, सुबह मतलब बांटते हो आप? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सेवा चल रही है आप लोग। ये लोग हम आटा चावल दाल थोड़ी दूरी दूरी बना लो। चलो करो शुरू। एक मिनट, ये आप क्या क्या सामान दे रहे हैं? ये राशन का सामान है, आटा है, चीनी है, आलू है, चावल है। जी, क्या 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 दे रहे हैं आप? आटा है, चीनी है, चावल है, आलू है, तेल है, साबुन है। मतलब ये आटा कितना दे रहे हैं आप? 2 किलो। 2 किलो आटा दे रहे हैं, चावल 1 किलो। मतलब ये 5 आइटम दे रहे हैं आप? ये तेल है, आटा है, अरे दाल क्यों नहीं निकाल के ला रहे थे? हाँ जी, आपका नाम? विशाल मलिक। विशाल जी, आपको कब लगा, कैसे लगा और क्या, कब से स्टार्ट करा आपने खाना? जी, मैं 24 तारीख से ये गरीबों की मैं सहायता कर रहा हूँ, और मैं 24 तारीख से गरीब लोगों की सहायता में जुड़ा हुआ हूँ, और मैं किसी के उसमें नहीं कर रहा हूँ। जो भी कुछ कर रहा हूँ मैं अपनी मेहनत से, अपनी इनकम से गरीबों की सहायता कर रहा हूँ। इसमें आपका एनजीओ ने या किसी गवर्नमेंट ने किसी से सहायता लिया आपने? नहीं जी, मैंने किसी की सहायता से नहीं लिया, सब अपनी मेहनत से, अपनी इनकम से मैं गरीबों की सेवा कर रहा हूँ मैं। और मैं किसी का कोई रोक टोक नहीं, कोई कुछ नहीं, और मैं मीडिया में भी नहीं आना चाहता हूँ, पर मैं ये बस अपनी सेवा कर रहा हूँ, मैं जनता की सेवा करना चाह रहा हूँ, अपनी खुशी से कर रहा हूँ। बस ये मेरी बस एक हॉबीस है, मुझे बस मेरे मन को संतुष्टि मिलती है कि मैं किसी गरीब की हेल्प करूँ, बस मेरे मन को संतुष्टि मिलती है कि मैं किसी गरीब की हेल्प करूँ। इसीलिए मैं आगे भी सबको यही बोलूँगा, जैसे मैं आप कर रहा हूँ ऐसे और भी लोग हैं, सब गरीबों की सहायता करिए जी, बस यही मैं बोलना चाहती हूँ। अच्छा, हम देख रहे हैं कि कुछ आपके परिवार के लोग भी हैं या बाहर के भी, कौन कौन जुड़ के लग के रहा कर रहे हैं जी? मेरे पूरे परिवार के मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरा पूरा साथ दे रहे हैं, और मेरे पूरे पड़ोस के, मेरे पूरी गली मोहल्ले के पूरे मेरा साथ दे रहे हैं। ये सब मेरे बच्चे गली मोहल्ले के हैं, सब मेरे साथ दे रहे हैं, सब मेरा साथ दे रहे हैं सहयोग करने में, और मैं अपनी मर्जी से ये सब सहयोग कर रहा हूँ। तो मतलब ये लाइन लगी है तो थोड़ा कोरोना का भी होता है डिस्टेंस का, आप वो जी? मैंने अपने एरिया के बीट ऑफिसर को बुला रखा है, उनकी ड्यूटी लगी हुई है, वो अपने दूरी बना के अपना काम करवा रहे हैं। पुलिस से सहायता ली है? पुलिस से सहायता ली है, उनकी बीट ऑफिसर से, मैंने अपने बीट ऑफिसर से, जो हमारे एरिया का बीट ऑफिसर है, उसकी सहायता से दूरी बना बना के ये काम किया जा रहा है। देखिए, हमारे साथ जो विशाल मलिक जी हैं, ये 24 तारीख से लगे हुए हैं गरीबों की सहायता करने के लिए। उनको सूखा राशन बांट रहे हैं? हाँ जी जी, सूखा बनाओ अभी बांटा है कभी? जी, सूखा। देखिए, सूखा राशन बांट रहे हैं और आए दिन बांटते रहते हैं, रोज बांट रहे हैं? किस तरह आए दिन बांटते रहते हैं कि लोगों को जैसे जैसे राशन खत्म होता है तो उनको और भी प्रोवाइड करते हैं कि ताकि उनको खाने की दिक्कत ना हो, और जहाँ तक होता है कि घर जाके किसी का भी देखते हैं कि किसी को भी चाहिए खाना, खाने की जरूरत है, तो ये उनको घर जाके भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और साथ ही में देखिए, जो साथी लोग हैं गली के हैं कुछ, इनके घर परिवार के लोग भी हैं, वो भी इनके साथ जुड़ के लिए इस कार्य में अपनी सहायता दे रहे हैं। मैं योगिता शर्मा, कैमरा मैन सोनू के साथ।